हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर मोर विद रॉनी। होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे। सभी को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, और सभी का साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए, यही मैं आपके लिए प्रे करता हूँ। और बाकी जी, अभी मैं हूँ मैसूर में और मैसूर को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने मामा के घर के बाहर ही था और वहाँ से निकला हूँ। अभी थोड़ा वॉक करते हुए निकला हूँ, उनके पहले कैफ़े में जाऊँगा, वहाँ पर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करूँगा। वैसे तो दोपहर का टाइम हो चुका है, पर ब्रंच ही हो गया मेरा और थोड़ा लेट हो गया। और बाकी जी, वहाँ पे कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, इन्जॉय करेंगे। बाकी उसके बाद जी, आज का प्लान है देवराजा मार्केट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है। करीबन 100-150 साल पुरानी मार्केट है ये देवराजा मार्केट, जहाँ पे करीबन 800 से भी ऊपर शॉप्स है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, और फ्लावर की मार्केट है बहुत बड़ी। दोपहर के 1 बज गए और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैं मौसम की तारीफ इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों से गोवा में था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बिल्कुल यार कहीं ना कहीं टैनिंग हो गई थी, और कहीं ना कहीं दोपहर के टाइम पे दिल नहीं करता था बाहर निकलने का। पर यहाँ पे मौसम भी बढ़िया है, सीट बिल्कुल साफ़ है, चिल वाइब्स है बिल्कुल यहाँ पे, तो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा वाइब्स अच्छी लग रही है मैसूर की, बिल्कुल गर्मी नहीं है तो सबसे अच्छी बात ये, और धूप भी नहीं है तो घूमने में मज़ा आ रहा है। बाकी तो मैं यहाँ पर जुगनू करके कुछ ऐप है वहाँ पर डाउनलोड करके मैं यहाँ पर आ सकता था, कोई ना कोई टैक्सी में आ सकता था या ऑटो में आ सकता था, पर मैंने सोचा कि यार मौसम अच्छा है और पैदल घूमा जाए तो ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, तो पैदल ही मैं यहाँ पर आ गया। वॉक करते हुए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बाकी जी, कैफ़े मेरे पीछे है, अभी चलते हैं कैफ़े में और यहाँ पे लंच करते हैं और इन्जॉय करते हैं आज की मील को, फिर उसके बाद निकलते हैं देवराजा मार्केट के लिए। बाकी जी, अभी घूमने के लिए निकले हुए थे मामू के साथ। अभी यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में गया था तो वहाँ पर जाके लग ही नहीं था कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ही साफ़ सफाई थी वहाँ पे जाके। बाकी दिल्ली में जैसे आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो बड़ी गंदगी होती है हर जगह पर मैसूर की सड़कें भी साफ़ है, बाकी पॉल्यूशन भी नहीं है इतना खास, और हवा बड़ी अच्छी चलती है यहाँ पर, बिल्कुल फ्रेश एयर है। तो दिल्ली की तरह अगर मैं कंपेयर करूँ तो बार बार मैं दिल्ली इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ, बार बार दिल्ली से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एयर है यहाँ पे, हवा पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं है ना ही ट्रैफिक है। बाकी जी, अभी इन्फोसिस के यहाँ पे कैंपस में मैं आया हुआ था, आप मेरे पीछे देखोगे ये इतना बड़ा एरिया, करीबन 3 से 4 किलोमीटर का बहुत ही बड़ा एरिया है। ये बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, ये मे बी शायद मेन गेट है अगर मैं करेक्ट हूँ तो, या आगे कोई मेन गेट होगा। बाकी इन्फोसिस की ये मेन बिल्डिंग है, बाकी ये पूरा कैंपस एरिया है। करीबन हर साल यहाँ पे करीबन 10 से 15 हज़ार एम्प्लॉयज़ आते होंगे इंटर्नशिप के लिए। बाकी जी, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। बाकी ये 3 से 4 किलोमीटर का पूरा एरिया पड़ता है कैंपस का, जहाँ पे आते हैं इंटर्नशिप के लिए। बाकी जी, यहाँ पर घूम रहे, इन्जॉय कर रहे हैं। बाकी अभी निकले हुए थे कहीं ना कहीं घूमने के लिए तो मैंने सोचा कि, उन्होंने मेरे को बताया कि ये इन्फोसिस का बहुत ही बड़ा कैंपस है, मे बी शायद मैसूर का सबसे बड़ा है या इंडिया का सबसे बड़ा, वो तो मेरे को गूगल करना पड़ेगा। बाकी ये बहुत ही बड़ा कैंपस एरिया है इन्फोसिस का, और सड़कें भी बड़ी साफ़ है, ऊपर से यहाँ पे जो भी पूरा कैंपस एरिया तो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्फोसिस का। बाकी जी, अभी घूम रहे हैं, बाकी अभी जाना है जी देवराजा मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है और उसको भी एक्सप्लोर करना है इवनिंग में। और अभी मैं निकला था अभी घूमने के लिए, वैसे ही कुछ काम था तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलता हूँ। क्या रेट है भैया केले? केले क्या रेट है? 10 रुपीज़।
10 रुपीस किलो, किलो वाला 40 रुपीस किलो, 40 रुपीस किलो। एक्चुअली लोग यहाँ पे गुस्सा नहीं हो रहे यार, लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि केले की मार्केट में गया था, वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के केले थे, पर कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। इंग्लिश में ट्राई करा तो इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो उनको कन्नड़ ही आती है, तो बिल्कुल भी यार वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ गया, तो वहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। पर लोग खुश हो रहे हैं मेरे हाथ में कैमरा देखकर, बुला भी रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाओ, आओ हमारे पास आओ, रेट पूछो हमसे आकर। तो वही है कि जहाँ पर मेरा मन कर रहा है खड़े होने का, या मेरा इंटरेस्ट है कि मतलब जो मार्केट में मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं रुक रहा हूँ। बाकी जी अभी घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो मैं नारियल पानी ढूंढ रहा हूँ। अब देखते हैं नारियल पानी यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता। इस मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है ये। बात किया आपने अब तक? नहीं, मैंने यहाँ पे दो चार लोगों से बात करी है, उनको हिंदी नहीं आती। तो आपने सही लोगों से बात की। अच्छा, मतलब आप मिल गए हो। आप कहाँ से हो? यहीं से। यहाँ से ही हो, हिंदी आता है। ये कितनी पुरानी मार्केट होगी ये? 130 साल पुरानी मार्केट। तो यहाँ पे मतलब क्या क्या वैरायटी के, मतलब फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, और क्या क्या मिलता है? ऑयल्स, पूजे का आइटम सब मिल जाएगा, एक्सेप्ट आइटम्स एंड क्लोथ्स। अच्छा, इसके अलावा सब कुछ मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। कब आए मैसूर में? मैसूर में मैं कल आया। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत फेमस, तभी मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा क्या सैंडल ऑयल और सैंडल मैसूर? नहीं सुना भी नहीं अब तक। नहीं, मोबाइल है तो नेट पर मार्केट देखिए। सिल्क और सैंडल बहुत फेमस है यहाँ का। सिल्क और सैंडल, सैंडल वुड तो होता, सैंडल वुड तो यही उगता है, मतलब वुड नहीं बेच सकते, इलीगल है, उसका ऑयल बेच सकते हैं आप लोग। सोप, ये क्या है? सैंडल सोप। सैंडल सोप, ओके। नेट पर मारिए ना, मतलब क्या रेट है ये? वो 100 रुपये का। 100 रुपये का जी। ऑयल है, ऑयल देना, और सैंडल वुड का अगर रखती है एक अगरबत्ती रहा सर, 45 मिनट चलेगी। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको। आपका नाम सर? रॉनी। रॉनी, अच्छा अच्छा सैंडल सोप के लिए फेमस है, और सैंडल के लिए फेमस है, सैंडल ऑयल बनता है, मतलब। अच्छा, आपके जी मैसूर पाक देसी घी। जी अभी मैं जिस शॉप पर गया था वो मैसूर पाक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि करीबन 80-90 साल पुरानी शॉप है ये, गुरु स्वीट मार्ट कॉर्नर की शॉप है, और करीबन इसको शॉप को 80 साल हो चुकी है। बाकी जी यहाँ पर अभी मेरे को मैसूर पाक टेस्ट भी करना है, कुछ घर के लिए पैक भी कराऊंगा। बाकी मामू ने कहा था कि थोड़ा लेकर आई हो, कि मैं भी वो भी ट्राई करेंगे। बाकी उनकी शॉप पे मैंने खाया था मैसूर पाक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बाकी अलग अलग जगह से ट्राई करेंगे कि वहाँ पे डिफरेंस क्या है, मतलब मैसूर पाक में, क्योंकि हर किसी का अलग अलग थोड़ा बहुत टेस्ट होगा मैसूर पाक बनाने का। पर ये सबसे ओल्डेस्ट शॉप है मैसूर पाक के लिए, जो इन्होंने इन्वेंट किया था कहा जाता है। और बाकी सच्चा झूठा वो नहीं पता, बाकी सबसे पुरानी शॉप है। तो यहाँ का भी मैसूर पाक ट्राई करेंगे, लेंगे, और घर के लिए भी थोड़ा बहुत पैक कराऊँगा मैं। बाकी जी अभी चलते पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए,
दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग स्पेशली यहाँ पर लेने के लिए दूर दूर से आते हैं, और बड़े सारे मतलब टीवी शोज़ में इनका नाम आ चुका है और वीडियोज़ मैंने देखी हुई थी। तो मैंने अगर किसी से पूछा कि मैसूर पाक कहाँ का फेमस है तो सब ने इसी दुकान का नाम लिया और बताया मेरे को कि देसी घी का जो मैसूर पाक है बहुत ही फ्रेश आपको मिलेगा और बहुत ही डिलीशियस है। और 520 रुपये किलो था तो मैंने आधा किलो मैसूर पाक ले लिया है। बाकी जो अभी मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, अभी आप ये देख सकते हो कि फ्लावर की पूरी मार्केट लगी हुई है, फ्रूट्स भी है बीच में, वेजिटेबल्स भी लगे हुए हैं उस साइड पे रोड के उस साइड पे, जैसे जनपद में भीड़ होती है, जैसे जनपद लगा होता है रोड के कॉर्नर्स पे बहुत सारी आपको शॉप्स दिख जाएगी और वैसी शॉप्स लगी हुई है। बाकी जी अभी यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है ये, तो मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। अभी देवराजा मार्केट में अभी थोड़ी देर पहले भी मैं गया था, उसके बाद नारियल पीने के लिए मैं बाहर निकल गया था और यहाँ के लोग बड़ा खुश हो रहे हैं, कोई परेशान नहीं हो रहा। बेशक उनको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, पर वो कहीं ना कहीं मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे कन्नड़ में भी, और अच्छी तरह बात कर रहे थे कि आओ आप हमारी दुकान पर आए हो, और कुछ ना कुछ अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे थे पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाकी जी अभी पूरी मार्केट घूम रहे हैं, बाकी मास्क लगाया हुआ है यहाँ पे, और कोविड का टाइम चल रहा है तो मास्क मैं हटा नहीं रहा यहाँ पे फिलहाल। तो सबसे अच्छी यार ये बात लगी इस मार्केट में आके कि लोग गुस्सा नहीं कर रहे। जैसे कि मैं पहले पंजिम में गया था तो मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था, मैं भी शायद आपने वाली वीडियो देखी होगी, तो बड़ी सारी आंटियाँ गुस्सा कर गई थी वहाँ पे कि हमारी वीडियो क्यों बना रहा है। तो हाँ एक डर सा आया था कि भाई कोई गुस्सा करने ना लग जाए, पर यहाँ पे लोग गुस्सा नहीं कर रहे बल्कि स्माइल पास कर रहे हैं या कोई ना कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक उनको मेरी लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, पर कोई ना कोई बात कर रहा है, तो ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरी फूलों की मार्केट है यहाँ पे। जो लेडीज़ है वो कहीं ना कहीं गजरा, जो गजरा ही कहते हैं इसे, जो फ्लावर होते हैं वो गजरा अपने बालों पे लगाती है पीछे। तो यहाँ का कल्चर है, यहाँ का ट्रेडिशन है कि जो फीमेल है यहाँ की वो इस्तेमाल करती है डेली लाइफ में। तो बाकी जी बड़े सारे गजरे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी पूरी फूलों की मार्केट है ये, बहुत बड़े बड़े हार है, बहुत बड़े बड़े ये कहाँ पे, ये मंदिर में लेके जाते हैं लोग, ये मंदिर पे लेके जाते हैं, शादी के वास्ते ले जाते हैं, गेस्ट को वेलकम करने के वास्ते ले जाते हैं। अच्छा, ये फूल का रेट देखे तो हंगार का रेट है, व्यापार देखे कुछ भी नहीं है। ये कितने का होगा एक पीस? ये एक पीस ये तुमने 250 रुपए का पड़ता है। कितना? 250 रुपए का पड़ता है ये। तो गेस्ट जो आता है उसके लिए भी लेके जाते हैं, घर में वेलकम करने के लिए भी कोई आ रहा है तो, और शादी के लिए भी यूज़ होता है। शादी के वास्ते भी यूज़ होता है। जो फीमेल यूज़ करती है वो कौन सा होता है, जो बालों पे लगाती है? वो उधर हैदराबाद। ये अच्छा, ये जो फ्लावर होते हैं वो फीमेल यूज़ करती है, बालों पे लगाती है अपने, तो वो यहाँ का मतलब कल्चर है आपके इधर का। हाँ ये लाइफ किधर छोड़ रहे थे, क्या वीडियो ले रहे थे? हाँ वीडियो वीडियो किधर वाला है? इधर ही छो। हाँ इधर ही। बाकी जी केले देख सकते हो कितने छोटे छोटे केले हैं, ये करीबन 20 रुपए किलो केले हैं, बहुत ही छोटे केले हैं यहाँ पे। मैंने इससे छोटे केले आज तक नहीं देखे अपनी पूरी लाइफ में। और 10 रुपए किलो भी केले हैं, 20 रुपए किलो भी केले हैं, बड़े छोटे छोटे साइज़ के केले हैं, केले नहीं कहूँगा इनको, केलिया कहूँगा। बाकी जी ये पूरी मार्केट है, आगे मार्केट बदल जाती है, आगे फ्रूट्स की मार्केट आ जाएगी। करीबन 800-900 शॉप है, बहुत बड़ी मार्केट है, पूरी घूमने में तो करीबन आधा पौना घंटा क्या कई घंटे लग जाएंगे इस पूरी मार्केट को। ये जो स्ट्रीट जा रही है यहाँ पर मिलेगी आपको फ्रूट की पूरी मार्केट, इसके आगे पूजा पाठ का मतलब अलग अलग स्ट्रीट है यार। एक स्ट्रीट होगी जैसे कि ये वाली स्ट्रीट जा रही है, तो यहाँ पर पूरे फ्रूट की मार्केट है, यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के फ्रूट मिल जाएंगे। बाकी जो उसके अगली वाली जो स्ट्रीट जा रही है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जी पूजा पाठ का सामान, जैसे कि ये मेरे पीछे जो शॉप है, पूजा पाठ का सामान यहाँ पर जो भी है आरती होती होगी, इनका जो ट्रेडिशन होगा उसके अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूजा पाठ का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी जी फ्लावर की मार्केट अलग है, डेली यूज़ में जो भी घर में यूज़ होता है, बेशक वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गया, या फ्लावर्स हो गए, या यहाँ पे किराने की दुकानें हो गई, बड़े कुछ मिल जाएगा। बाकी ये थोक की रेट की दुकान है, सारे के सारे आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। बाकी इतर अलग अलग टाइप के इतर है यहाँ पे जो मैं यहाँ पर देख रहा था। कमरे मोद
ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ನೆನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ केले क्या दिए भैया रेट? 40 एक डजन, 10 रुपीस एक डजन। यहाँ पर आने से पहले यार बड़े सारे मैंने गूगल पे देखा, रिव्यू देखे लोगों के, या कई दोस्तों से पूछा जो यहाँ पर मतलब मैसूर पहले विज़िट कर चुके थे। कईयों ने कहा कि देवराजा मार्केट आने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्या करोगे जाकर। एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीबन 130 साल पुरानी मार्केट है, जहाँ पर आपको वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट मार्केट हो गया, और बहुत सारी घर की जो चीज़ें होती है वो आपको मिल जाएगी। बाकी जी यहाँ पे सबको डिसिप्लिन में है, मतलब एक मार्केट है जहाँ पर वेजिटेबल्स है, एक मार्केट है फ्रूट मिल जाएगा आपको। बाकी जी अभी मैं भारकी रोड पे घूम रहा हूँ, तो कई लोगों ने कहा कि आने का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने यही सोचा कि यार 130 साल पुरानी मार्केट है, इतनी बड़ी मतलब मार्केट हो गई तो वहाँ पर जाना बनता है। पर बाकी ज़्यादा हैसल नहीं थी यहाँ पर, बाकी लोग डिसिप्लिन में है, मतलब मास्क कईयों ने लगाए हुए हैं, यहाँ पर आराम से मैं घूमा हूँ। और मैंने कभी ऐसी मार्केट एक्सप्लोर नहीं करी जहाँ पर इतना ज़्यादा फ्लावर की मार्केट इतनी बड़ी मैंने एक्सप्लोर नहीं करी। एक ही मार्केट में आपको वेजिटेबल्स भी मिल जाएंगे, फ्रूट भी मिल जाएगा, घर का सामान मिल जाएगा, पूजा पाठ का सामान मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही बड़ी मार्केट है ये। तो जी जहाँ तक मेरे को हिस्ट्री का पता है यार इस मार्केट के बारे में, ये मार्केट शुरू हुई थी टीपू सुल्तान के टाइम पर, कि जब ये स्टार्ट हुई थी मार्केट तो उस टाइम पर था कि लोग जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पर आकर मार्केट के अंदर आके शॉपिंग करे, और सब्जियाँ हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, घर का जो सामान हो गया वो यहाँ पर आके परचेज करे। तो ये मार्केट की शुरुआत हुई थी ये टीपू सुल्तान के टाइम पे। बाकी करीबन 130 साल पुरानी ये मार्केट है, जो मेरे को नॉलेज थी मैंने वो बताया। बाकी किसी ना किसी लोकल लोगों से पूछेंगे जो यहाँ पर काम करते हैं, वैसे मैंने 2-3 लोगों से पूछा है तो उन्होंने यही बताया कि करीबन 100-100 साल हो चुके हैं इस शॉप को। तो कई लोगों ने बताया कि हमें 20-30 साल हुए यहाँ पर आए हुए, पर हमें हिस्ट्री नहीं पता ये मार्केट कैसे स्टार्ट हुई है। बाकी कोई ऐसा मिलेगा कि जिसको इस शॉप इस मार्केट के बारे में पता हो, वैसे कोई मिलेगा यहाँ पर, या किसी से बात करेंगे जिसको पता हो कि ये मार्केट कब स्टार्ट हुई थी और कितना साल पुरानी ये मार्केट है, तो वो ढंग से बता पाए। 120 साल हो गया और ये बहुत पुराना मार्केट है, और पूरा मट्टी से बना, सीमेंट से बन के नहीं। अच्छा। और इधर का पीछे का पोर्शन अभी रिसेंट अभी एक साल हो गया गिर के, अभी तक तो भरा नहीं। एक बार गिर गया तो और वापस नहीं बन सकता है मार्केट, बहुत पुराना मार्केट है। और इधर और टूरिस्ट लोग बोलते हैं इंडिया में सबसे फेमस मार्केट मैसूर पे ही है, मैसूर का पैलेस से स्टार्ट हुआ है मैसूर मार्केट, और जितना भी मैसूर जो भी है पूरा राजा का ही है, तो पूरा गवर्नमेंट वाला कब्जा किया है। 120 साल पुरानी मार्केट है, 120 साल पुरानी है। जब भी टीपू सुल्तान थे ना तब का है, अंदर से जगह है नीचे, और अंडरग्राउंड से हम लोग पैलेस पे जा सकते हो, ऐसा जगह है। पहले के ज़माने में चलता था पूरा, ट्रेन से भी चलता था अंडरग्राउंड से, अभी पता नहीं अभी नहीं है, अभी है शायद श्रीरंगपटना में है, नीचे पूरा सोना सब मिलता है, सोना चांदी सब नीचे मिलता है पूरा श्रीरंगपटना। तो मतलब टीपू सुल्तान के टाइम की मार्केट है, जब शुरू किया गया था टीपू सुल्तान की, जब का मार्केट टीपू सुल्तान था तभी उसका, कम से कम ये पूरा मैसूरी उसका ही है, और टीपू सुल्तान को गिफ्ट मिला है पूरा श्रीरंगपटना। बाकी ये क्या चीज़ है जो आपने रखी हुई है? ये तो पूरा कलर है, इधर तो 24 आवर्स पूजा चलता रहता, पूजा पाठ चलते रहता है, इधर कोई हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है, इधर पूरा पूजा चलता रहता, 24 आवर्स पूजा होता रहता।
और इधर पाठ पूजा ज़्यादा है, ज़्यादा भगवान को मानते हैं। तो ये कैसे यूज़ आता है ये कलर्स? ये पूरा टीके पे लगाते हैं। अच्छा, टीके पे लगाते हैं और भगवान के ऊपर डालते हैं। और ये सारा पूजा पाठ का सामान है जो भी है? पूरा पूजा पाठ का सामान। तो इस मार्केट में क्या क्या मिलेगा खास देखने के लिए? ये आपको कलर्स मिलेगा, बैंगल्स चूड़ी का बाजार है बाजू, और आपको वही है चावल की वाला सब इतना ही मिलता है, नारियल का दुकान है अंदर। तो कपड़े का चाहिए तो आपको आउटसाइड मार्केट के बाहर है, ऑपोजिट पूरा मार्केट के बाहर आपको मिलेगा। इधर नहीं है, इधर पूरा फेमस है खाली कलर और चूड़ी, चूड़ी ज़्यादा चलता है, चूड़ी भगवान को ज़्यादा लेते हैं। बाकी फ्रूट की मार्केट होगी, वेजिटेबल्स मार्केट होगी, फ्रूट का अंदर वेजिटेबल है। अच्छा, फ्लावर्स है और फिश मार्केट है, फिश मार्केट बैक साइड है, फिश मार्केट है, चिकन मटन पूरा, वेज नॉन वेज पूरा मिलता है। चलो थैंक यू भैया। और यहाँ पे देखने के लिए और क्या चीज़ होएगी? ऐसा मार्केटिंग चाहिए क्या आपको घूमने के लिए? नहीं, घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए क्या चीज? मैसूर का फेमस मैसूर जू है। अच्छा, मैसूर जू है, मैसूर पैलेस है, अभी रिसेंट एग्जीबिशन खुला है वो भी फेमस ही है। वृंदावन गार्डन है, पूरा देवराजा पूरा राजा का ही है, वृंदावन गार्डन है। और आपको केआरएस डैम करके है, केआरएस डैम उधर सबसे बहुत पुराना, कम से कम आपको 36 फीट डाउन है वो। अच्छा, उधर राजा उधर तपस्या करता था पहले, अभी राजा तो नहीं है, राजा मर गया, अभी राजा का दत्तू बेटा है, खास बेटा नहीं दत्तू बेटा है लेके पला था ना, वो बेटा भी चला रहा है। और इधर तो पूरा फेमस पूरा मार्केट पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा मैसूर का मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, मैं सुना हूँ वो वर्ल्ड में। थैंक यू भैया। आउटसाइड से, आउट ऑफ कंट्री से सब लोग मैसूर को फेमस देखने के लिए आते हैं, मार्केट के लिए आते हैं, पर्सनल मार्केट से देखने के लिए आते हैं, और पैलेस मेन पैलेस भी देखते हैं। तो जी, ये नालपक पे मैं अभी आया हूँ, यहाँ का डोसा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और स्पेशली बोंडा, और मैंने कल यहाँ पर विज़िट किया था तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगा यहाँ का डोसा, स्पेशली बोंडा। और अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे बोंडा कहते हैं, मे भी शायद वड़े को कहते हैं यहाँ पे, तो अभी वड़ा ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं और इन्जॉय करते हैं फूड को। जी, अभी मैं आया हुआ था नलपक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे मैं डोसा कल मैं ट्राई करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ आया था, तो यहाँ का डोसा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आज मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे दोबारा जाके डोसा ट्राई करना चाहिए। बाकी डोसा बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे नलपक का, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया नलपक का डोसा। बाकी जी, मैसूर में घूम रहे हैं अभी, रात के करीबन 7:30 बज चुके हैं, यहाँ पे भी कर्फ्यू है, करीबन 10 बजे कर्फ्यू लग जाता है और सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। तो अभी फ़िलहाल तो स्ट्रीट पे घूम रहे हैं मैसूर की, उसके बाद अभी रात को एंजॉय करेंगे अपने रूम में ही, और वहाँ पर ही डिनर करेंगे। बाकी जी, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। जो दोस्तों, अभी आपने टेंपल देखा, रात को मैं इस टेंपल में गया था तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे गोप्रो की बैटरी थोड़ी डेड हो गई थी, तो मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं की और ना ही वीडियो का एंड करा। बाकी कल न्यू ईयर था, फर्स्ट डे था साल का, और वीडियो बनाई है, तो होप करते हैं कि इस साल पूरे साल में मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा, मेरे सब्सक्राइबर्स और भी हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जाएगी और अच्छा कंटेंट लाऊँगा, यही होप करता हूँ। और बाकी सबके लिए ये नया साल बहुत ही अच्छा रहे, यही मैं सबके लिए प्रे करता हूँ, और अपने चैनल के लिए कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूं, सेफ सारी जर्नी करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करूं, बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाऊं आपके लिए। और बाकी जी, सब ठीक है, अभी दोपहर के करीबन 2:30 बजे का टाइम हो गया था, वीडियो एंड करना कहीं भूल गया था तो मैंने सोचा कि वीडियो को एंड कर लेते हैं। बाकी आपको नए साल की नई वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, बहुत ही जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर अर्न करेंगे और YouTube फैमिली हमारी बड़ी होती जाएगी, और यही होप करता हूँ। बाकी नया साल सबके लिए अच्छा रहे, और मैं मिलूँगा ऐसी आपको नई वीडियो के साथ,
और देखते रहे मेरा चैनल और सपोर्ट करें प्लीज़ मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच, आदियोस।